Hey guys, welcome back to my YouTube channel Green Basket. Hope you all are doing well. और आज बात करते हैं पालक की. So we all know about पालक. पालक में कैल्शियम ज़्यादा होता है और ये सब बचपन से सुनते आ रहे हैं. फिर भी मैं आपको एज अ फॉर्मेलिटी थोड़ी सी क्वालिटीज़ गिना देती हूँ. पालक इज़ एन एक्सट्रीमली न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल. इट पैक्स हाई अमाउंट्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, विटामिन सी, विटामिन के, फॉलिक एसिड, आयरन एंड कैल्शियम. और आपको पता है पालक को ज़्यादा से ज़्यादा खाने से आंखों की जो समस्या होती है, रतौंधी जैसे रोग को ये बीट कर जाती है. हो गई सारी फॉर्मेलिटीज, समझ गए ना? अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. पालक को उगाएं कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सीज़न की. पालक को कब, किस सीज़न में उगाएं? पालक को उगाने का सबसे बेस्ट सीज़न जो है वो अक्टूबर नवंबर है. आप बोलेंगे ये वीडियो अब अपलोड हो रही है, तो शूट होके काफ़ी पहले लग गई थी लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिला भाई, तो इसलिए अभी अपलोड कर रहे हैं. तो पालक के सीड्स जो हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं. किसी भी शॉप पर जाइए और बोल दीजिए पालक की सीड्स चाहिए, तो 15 रुपये में तो इतने सारे आ जाएंगे कि आप एक खेत भर डालेंगे. ठीक, तो इतने नहीं चाहिए हमें क्योंकि हमें घर के टेरेस पर ग्रो करना है. तो उस हिसाब से थोड़े से लिमिटेड बीज आप देख रहे हैं, जितने मैंने लिए हैं उस हिसाब से आप सीड्स ले सकते हैं. उसको मिट्टी, बात करते हैं मिट्टी की, तो 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट मिक्सचर वाली हमको सॉइल चाहिए रहेगी. और ध्यान रहेगी उसमें वाटर जो ड्रेनेज रहे वो एकदम बेस्ट रहे, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए. आप उसमें रोप दीजिए, बो दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, देन उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए. अब आप बोलेंगे डायरेक्ट सनलाइट में क्यों? क्योंकि भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कहाँ पड़ती है धूप तेज. बस फिर आप देखेंगे आपका 20 से 25 दिन, 25 तो ज़्यादा बोल रही हूँ, 20 दिन में ही आपका गमला जो है वो पूरी तरह पालक से भर जाएगा. फिर आप उसकी सीजर से कटिंग कर लीजिए, जड़ से मत उखाड़िए क्योंकि वो एक बार के लिए थोड़ी होती है पालक. फिर आप उसमें खाद देते रहिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट दीजिए चाहे होममेड खाद दीजिए, टाइम टू टाइम देते रहिए. मतलब मार्च तक दी थी मैंने, मार्च तक उसको कम से कम मैंने 4 बार ग्रो किया सिर्फ खाद डाल के ऊपर से, और उसी रूट से, उसी सीड से जो फर्स्ट टाइम डाले थे उससे काफ़ी बार, 4 बार पालक निकल आई. पालक उगाने में आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते, कतई केड़ी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएगी. थोड़ा सा मतलब वन टाइम मेहनत करने वाली चीज़ है कह सकते हैं उसको. और अब बात करते हैं पालक से पास्ता तक का सफ़र. तो जब मैंने पालक उगाई और ताज़ी ताज़ी पालक देखी, किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, तो बस मैंने पास्ता ट्राई किया उसके साथ. तो ऐसे हुआ पालक से पास्ता तक का सफ़र तय. हाँ, अब आप बोलेंगे रेसिपी कहाँ है? तो रेसिपी मैंने शूट की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई. सो यस, आप भी पालक पास्ता और पालक पास्ता को ज़रूर ट्राई कीजिए और रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए.